بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of My English Book 6 for Class 6. In last video, we discussed exercise 4 and 5. Today, we will discuss exercise 6 and 7. डियर स्टूडेंट्स इकरा हफ्फाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन की क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 1 यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5 की प्रैक्टिस की थी और आज हम यूनिट नंबर 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्सरसाइज नंबर 6 और एक्सरसाइज नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 6 को देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये आपके सामने मैंने पेज नंबर 29 खोला हुआ है, इस पर एक्सरसाइज 6 आपको नज़र आ रही होगी। लिखा हुआ है कमाल गेव रीजंस टू हिज मदर अबाउट व्हाई ही वांटेड टू डू डिफरेंट थिंग्स। कमाल ने अपनी वालदा को कुछ वजूहात बताई कि वो क्यों बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें करना चाहता है। अब वर्क इन पेयर्स एंड मैच द रीजंस विद द स्टेटमेंट्स आफ्टर डिस्कसिंग ओरली। राइट द कंप्लीट करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। डियर स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, चूँकि मैं आपको ये बात हमेशा कहता हूँ जब से वीडियोस स्टार्ट हुई हैं कि अभी तो हम मिल नहीं सकते, ये हालात हैं ऐसे कि हम अपने अपने घरों में पाबंद हुए हैं सब के सब। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्लासरूम में एज अ क्लासरूम स्टूडेंट और टीचर एक साथ मिलेंगे और एक साथ पढ़ेंगे और सारे क्लास फेलोज़ वहाँ पर मिल के बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उस वक्त से पहले तक हमने ये काम इंडिविजुअली करना होगा, अकेले अकेले करना होगा कि हमने स्टेटमेंट्स को भी पढ़ना है और उसमें जो रीज़न दिए हैं कमाल ने वो भी पढ़ने होंगे, फिर स्टेटमेंट को रीज़न के साथ मिलाते जाएंगे, यानी स्टेटमेंट के बाद जो उसकी वजह है उसको उससे मिलाते जाएंगे। हर एक में नंबर दिया हुआ है, देखिए स्टेटमेंट में नंबर दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5 और रीज़न में नंबर दिए हुए A, B, C, D, E। अब अगर आपको लगता है कि नंबर 1 इसका जो रीज़न है वो है डी, तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्व हुआ है 1, फिर उसके बाद हाइफन लगा के डी लिखा हुआ है कि 1 का जो रीज़न है वो डी में है। ज़रा पढ़ के देखते हैं, लिखा हुआ है आई विल हैव मिल्क फिश मीट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिकॉज, यानी ये वो सब चीज़ें क्यों इस्तेमाल करेगा, क्यों खाएगा। आई वॉन्ट टू बी हेल्थी, क्योंकि वो क्या बनना चाहता था, सेहतमंद बनना चाहता है। ठीक है, तो अब इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे स्टेटमेंट्स को और उनके साथ उनके रीजंस को फिट करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट कौन से रीज़न के साथ मैच होता है। 1 को तो हमने डी के साथ मैच हुआ हुआ यहाँ पर देख रहे हैं। नंबर 2 है आई विल नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स फान और चालिया बिकॉज, देखिए नंबर 1 पर लिखा हुआ है दीज थिंग्स मेक अस सिक एंड अनहेल्थी। जी हाँ बिल्कुल यही इसका आंसर लग रहा है कि मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगा क्योंकि इन चीज़ों से बंदा क्या होता है, उसकी सेहत ख़राब होती है और बीमार हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे 2 और फिर हाइफन डालकर क्या लिखेंगे ए, क्योंकि ये ए रीज़न है। इसके बाद नंबर 3 है आई विल ऑल्सो टेक अ बाथ एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड बिकॉज, रोज़ाना सोने से पहले नहाऊँगा, क्यों नहाऊँगा, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं, ये नहीं हो सकता, फ्रेश एंड एक्टिव अप ये भी नहीं हो सकता। ये तो हम डी तो हम लगा ही चुके हैं, तो ई यहाँ पर बन सकता है इफ़ वी रिमेन क्लीन वी विल नॉट फॉल सिक, अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 हाइफन लगा के ये ई है तो यहाँ पर ई बना दिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद नंबर 4 आई विल प्ले आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क बिकॉज,
मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, लेकिन उससे पहले होमवर्क कंप्लीट करूंगा। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैं दोस्तों के साथ खेलूंगा। क्यों खेलना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। तो फोर के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। तो हमने लिखा फोर हाइफन लगा के बी। इसके बाद लास्ट, I will not watch too much television but will go to bed early because रात देर तक टीवी नहीं देखूंगा बल्कि जल्दी बेड पर सोने के लिए चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि I want to be fresh and active when I wake up in the morning। मैं जब सुबह जागूं तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं जब सुबह जागूं तो ताज़ा दम हूं और फुर्तीला हूं। तो ये सी बन सकता है। तो हमने लिख दिया फाइव हाइफन लगाकर सी लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज पेज 29 की एक्सरसाइज 6 जो अभी हमने डिस्कस की है, इस एक्सरसाइज को आपने बुक में ही सॉल्व करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा मेरी बात से कुछ गलत ना समझे। मैंने कहा पेज 29 की ये जो एक्सरसाइज अभी अभी हमने डिस्कस की है, एक्सरसाइज 6, ये एक्सरसाइज कॉपी में सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ बुक में ही करनी है। और यहाँ मैंने पेंसिल से आंसर्स लिखे हैं, आपने पेन से लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पेज 30 पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज 7 है। इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स हमने लिखने होंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, विच कैरेक्टर्स वर इन द ड्रीम एंड विच कैरेक्टर्स वर नॉट इन द ड्रीम। कौन से कैरेक्टर्स ड्रीम में थे और कौन कौन से नहीं थे? तो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? कमाल, द डॉक्टर एंड क्लासमेट्स वर इन द ड्रीम एंड मदर वॉज नॉट इन द ड्रीम। कौन कौन था? कमाल भी था, डॉक्टर साहब भी थे और उसके साथ साथ उसके क्लासमेट्स भी थे जो कहाँ खड़े हुए थे, कहाँ पर उसको नज़र आए थे? जी स्टेशन पर नज़र आए थे। और ड्रीम के अंदर उसकी वालदा नहीं थी, वो उसको जगा रही थी। जब कमाल जागा तो उसने अपनी वालदा की आवाज़ सुनी और उन्हें देखा, ख्वाब में उसकी वालदा मौजूद नहीं थी। इसके बाद नंबर 2 है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ कमाल्स फ्रेंड्स। कमाल के दोस्तों के क्या क्या नाम थे? तो भाई कमाल के दोस्तों में से दो दोस्तों के नाम डिस्कस हुए थे, तो हम क्या लिखेंगे? द नेम्स ऑफ कमाल्स फ्रेंड्स वर यूसुफ एंड एजाज। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कॉपी में आंसर्स लिखे हुए, आप परेशान मत हो। नंबर 3 पर, व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट कमाल सेड इन हिज ड्रीम। सबसे आखिरी क्या बात थी जो कमाल ने अपने ख्वाब में कही थी? जी कमाल ने कहा था, प्लीज लेट मी गो टू मरी, आई विल डू व्हाट यू से। डॉक्टर साहब से उसने कहा था कि आप मुझे मरी जाने दें और जो जो आपने कहा है वो मैं करूँगा। तो उसने बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ कहा था डॉक्टर साहब से, ये उसकी आखिरी बात थी जो उसने ख्वाब में कही थी और उसके बाद फिर उसकी वालदा ने उसको जगा दिया था। नंबर 5, व्हाट इफेक्ट डिड द ड्रीम हैव ऑन कमाल। कि कमाल के ऊपर क्या असर हुआ ख्वाब का, ख्वाब ने कमाल की ज़िंदगी पर क्या असर डाला? तो ख्वाब ने क्या असर डाला कि कमाल ने अब अनहेल्दी एक्टिविटीज़ को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनाने का फ़ैसला कर लिया, और जो उसकी वालदा उसको कहती थी वो सब काम उसने करने का पक्का फ़ैसला कर लिया, वादा कर लिया। और उसने सोचा कि अब मैं वो सारे काम करूँगा जो मेरी अम्मी मुझे कहती थी और जिनकी वजह से मैं सेहतमंद रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 7 भी हमने डिस्कस कर ली। अब चलिए चलते हैं ज़रा कॉपी में एक्सरसाइज 7 देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बुक में हम एक्सरसाइज नंबर 7
डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉपी प्रेजेंटेशन मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगा आपको, तो आपके सामने पेज 7 एक्सरसाइज 7 की कॉपी प्रेजेंटेशन है। पेज पर देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाली हुई है एक्सरसाइज 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, विच कैरेक्टर्स वर इन द ड्रीम एंड विच कैरेक्टर्स वर नॉट इन द ड्रीम। आंसर दिया हुआ है कमाल, द डॉक्टर एंड क्लासमेट्स वर इन द ड्रीम एंड मदर वॉज नॉट इन द ड्रीम। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका क्वेश्चन 1 का, आपने भी ऐसा ही लिखना होगा। नंबर 2 पर है, वॉट आर द नेम्स ऑफ कमाल्स फ्रेंड्स, कमाल के दोस्तों के नाम। तो आंसर में लिखा है द नेम्स ऑफ कमाल्स फ्रेंड्स आर यूसुफ एंड इजाज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वॉट वॉज द लास्ट थिंग दैट कमाल सेड इन हिज ड्रीम। तो आंसर देखिए, द लास्ट थिंग ही सेड वॉज दैट, और उसके बाद ये लिखा हुआ प्लीज लेट मी गो टू मरी, आई विल डू वॉट यू टेल मी, प्लीज लेट मी गो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, वॉट इफेक्ट डिड द ड्रीम हैव ऑन कमाल। तो उसका आंसर है द इफेक्ट दैट द ड्रीम हैड ऑन कमाल वॉज दैट ही वॉज नाउ going to change his lifestyle in order to become a strong and healthy boy. ठीक है students, I hope कि ये आपको clear हो गया है question और उसका answer. This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about exercise number 6 and exercise 7. And specially copy presentation of exercise number 7. आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से exercise 6 और exercise 7 समझ चुके होंगे और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि exercise 6 को book में ही solve करना है, copy में नहीं करना, और exercise 7 को copy में ही करना है, book में नहीं करना। I strongly advise you to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. आपका homework मैंने आपको बता दिया और यही मेरी आपसे बहुत ज़्यादा advice है strongly कि आपने homework को करना है time पर। जो काम book का है वो book में, जो काम copy का है वो copy में, और copy में जो काम करना है वो ऐसा खूबसूरत करना है जैसा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा प्रॉपर स्पेस के साथ अच्छी राइटिंग के साथ आप कर सकें। कोई भी प्रॉब्लम आपको समझने में, पढ़ने में, काम करने में हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका बहुत जल्द फीडबैक दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।